मैं लगभग 1.5 साल से इस संस्था से मैं जुड़ा हूँ। बिजनेस करने में आसानी होगी, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से जुड़ के आप नॉलेज ले सकते हैं, फंडिंग ले सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती है अपना शेयर कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना बिजनेस आप स्टेप बाई स्टेप बढ़ा सकते हैं। जो लघु उद्योग छोटे छोटे लोग करना चाह रहे हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है, तो इसके माध्यम से वो तरक्की कर सकते हैं। पहले ट्रेनिंग लें, ट्रेनिंग लेने के बाद जब नॉलेज उनको हो जाएगा तो नॉलेज के साथ कोई भी बिजनेस करेंगे तो तरक्की ही होगा। हम तो सर यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक मतलब संदेश पहुंचे और लोग जागरूक हों। गवर्नमेंट की जो स्कीम निकलती है तो लो लेवल पर पहुंचता ही नहीं है, तो इसके लिए बहुत अच्छा है और ये अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए। अब हमारा ये समय आ चुका है कि हमें बिजनेस में उतरना ही चाहिए। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त दिल्ली में हूँ, इंजीनियर भवन में हूँ और आप मेरे पीछे जो पोस्टर देखेंगे, समृद्ध भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये चैम्बर जो है ये खासकर किसके लिए बनाया गया है, आपसे बातचीत करवाएंगे। तमाम लोग एकजुट हुए हैं इस हॉल में और पढ़ेगा बहुजन तभी आगे बढ़ेगा बहुजन, आप जानते हैं। लेकिन व्यापार कब करेगा बहुजन, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा मिराज अहमद। मिराज अहमद जी, तो क्या लग रहा है कि इस संस्था से जुड़ने पर लोगों को कितना फ़ायदा होगा? ये संस्था के बारे में जब तक मैं सुना हूँ ये काफ़ी अच्छी संस्था है और इसे जुड़ने से लोगों के काफ़ी अच्छी तरीके से प्रॉफिटेबल में रहेंगे। और ये जो मेंबरशिप है, ऐसा भी नहीं है कि मेंबरशिप काफ़ी हाई है इसके, बहुत ही नॉमिनल मेंबरशिप पे रखे गए हैं और आपके बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए, उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ करने के लिए ये प्लेटफॉर्म काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाया गया है। इसके फाउंडेशन पे भी अगर मैं बात करूं, इसके फाउंडेशन लेवल पे जो भी चीज़ें की गई हैं, जो भी मेंबर्स हैं, जो भी इसमें पोजिशनिंग बॉडी है, वो अल्टीमेट है, जो कि काफ़ी चीज़ों को हेल्प करती है हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कब से जुड़े हैं इसमें? मैं लगभग 1.5 साल से इस संस्था से मैं जुड़ा हूँ। इवन कि इस संस्था का जो सबकी .net है, ये हमारी कंपनी है मैम्प इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड, सबकी को हम ही ने डेवलप किया है। सारी वेबसाइट जो सबकी से रिलेटेड हैं, उनके सारे वेबसाइट और सारी चीज़ें, सोशल मीडिया प्रमोशन प्लस डिजिटल प्रमोशन, वो सारी चीज़ें हमारी कंपनी इसको देख रेख करती है, हमारे अंडर में आता है। सब्सक्रिप्शन सब कुछ, जितने भी सब्सक्रिप्शन आते हैं उसी वेबसाइट से होकर जाते हैं और वो हम सारी चीज़ें मैनेज करके इस बॉडी को, गवर्नमेंट बॉडी को, इस ऑर्गेनाइजेशन को हम देते हैं। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से ये प्रोग्राम किया गया, वार्षिक उत्सव मनाया गया, इस पर क्या कहेंगे? बहुत सही तरीके से किया गया है, इसमें लोगों को जागरूकता मिलती है, लोग इसे जानते हैं, इसे जान से आगे बिजनेस, इजी टू डू बिजनेस है, बिजनेस करने में आसानी होगी। एक प्लेटफॉर्म है जहां से जुड़ के आप नॉलेज ले सकते हैं, फंडिंग ले सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती है अपना शेयर कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना बिजनेस आप स्टेप बाई स्टेप बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म है, यहाँ लोगों को जुड़ना चाहिए और यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिले। थैंक यू। आप क्या कहेंगे इसके बारे में, लगातार आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं, तो क्या बेनिफिट दिख रहा है? बेनिफिट यह है कि जो लघु उद्योग छोटे छोटे लोग करना चाह रहे हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है, तो इसके माध्यम से वो तरक्की कर सकते हैं, कारण कि उनको एक रास्ता मिल जाएगा, एक विजन मिल जाएगा, एक ट्रेनिंग मिल जाएगा, तो जिसे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है या लीगली या किसी भी तरह का सहयोग चाहिए तो ये संस्था देगी और उनको जो है ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। बहुत सारे गरीब लोग हैं जो बिजनेस करने से डरते हैं कि कहीं घाटा ना हो जाए या फिर अभी तक उनको समझ ही नहीं है बिजनेस की, तो उनको कैसे संदेश देंगे? उनके लिए मैं यही बताना चाहूँगा कि डरे नहीं और पहले ट्रेनिंग लें, ट्रेनिंग लेने के बाद जब नॉलेज उनको हो जाएगा तो नॉलेज के साथ कोई भी बिजनेस करेंगे तो तरक्की ही होगा, कभी नुकसान नहीं होगा। कारण कि अगर विदाउट नॉलेज जब काम करते हैं तभी हमें नुकसान होता है। उन नौजवानों को क्या कहेंगे जो अभी हाल ही में बिजनेस करना चाहते हैं और एकदम से उठा पटक हो जाती है और उनका घाटा होता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं? नहीं, गलती ये होती है कि बिना नॉलेज, बिना ट्रेनिंग का जब कोई भी बिजनेस करेंगे तो घाटा होना ही होना है। तो सबसे पहले हमें ट्रेनिंग लेना चाहिए, नॉलेज लेना चाहिए, मार्केटिंग में सर्वे करना चाहिए, सर्वे करने के बाद डिसाइड करें कि हमें क्या काम करना है। तो सर्वे करने के बाद जो उनको माकूल सब्जेक्ट मिलेगा उसके अनुसार अगर काम करेंगे तो उनको कभी घाटा नहीं होगा।
और भी लोग हैं, तमाम लोग हैं जो कहाँ से आए हैं सर? जी हम आए नोएडा से, सेक्टर 63 से। हाँ जी सर, मेरा नाम धनीराम साके है। लोग कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं इस संगठन से? ये सर जी इसलिए सर जी जुड़ रहे हैं क्योंकि गरीब जनता तक समझ लो ये सब चीज़ पहुँचना चाहिए, जो लोग नई बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को जानकारी देना चाहिए। जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी नई बिजनेस करना चाहते हैं, अब जो धीरे लोग अब समाज में जा रहे हैं, लोगों को जागरूकता पैदा कर रहे हैं, और धीरे धीरे लोग जब जगेंगे तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बिजनेस की तरफ जाएंगे। और हम तो सर यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक मतलब संदेश पहुँचे और लोग जागरूक हों और जा करके समझ लो धीरे धीरे सर जी सब काम आगे बढ़ेगा, हम भी बिजनेस खूब आगे बढ़ेगी। इस कार्यक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? ये कार्यक्रम होना चाहिए और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, और बेसिकली ये चीज़ है कि बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट की जो स्कीम निकलती है तो लो लेवल पर पहुंचता ही नहीं है, तो इसके लिए बहुत अच्छा है और ये अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए और लोग अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं और नए नए जो स्कीम निकलती है उसे अवेयरनेस हो, इसका प्रोग्राम ये अच्छा है, होना चाहिए। तो आप कब जुड़े इस संगठन? मैं तो इसमें पहली बार आया हूं और मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और मैं भी जुड़ने का प्रयास करूंगा। तो देख सकते हैं और भी लोग हैं, तमाम लोग हैं जिनके हाथों में पर्चा है। क्या कहेंगे सर इस कार्यक्रम के बारे में? ये अवेयरनेस के ऊपर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसमें समाज के लिए जैसे फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स होती हैं टू रन ए कंपनी सक्सेसफुली, उसके लिए बहुत अच्छा गाइडेंस दिया गया है। बहुत सारे ऑनलाइन लिंक्स दिए गए जिससे गवर्नमेंट के जो बेनिफिशियल प्रोग्राम हैं उनका पब्लिक को लाभ मिल पाए, प्रॉफिट मिल पाए, फाइनेंशियली हेल्प मिल पाए, गाइडेंस मिल पाए, ट्रेनिंग मिल पाए उस काम के लिए, तो वो देखते हुए ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। लगातार कहा जाता है SC ST समाज जो है वो बिजनेस में अछूता रह गया है, वो बिजनेस में आ ही नहीं पाया, इसका मुख्य कारण क्या देखते हैं? इसका कारण देखें तो एक तो एजुकेशन सबसे बड़ा कारण है और ऑनलाइन अवेयरनेस की बहुत कमी है, जिनको पता ही नहीं है कि प्रोग्राम गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, क्या है उसके लिए, तो वो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और मीडिया ट्रांसमिशन ये बहुत सारी बातें करते रहते हैं इधर उधर की, चाहे वो रिलीजन की बात हो, चाहे कास्ट क्रीज की बातें हों, लेकिन अवेयरनेस के ऊपर बहुत कम मीडिया है, टीवी चैनल्स हैं, बहुत कम जानकारी देते हैं, सारे दिन न्यूज़ चैनल हज़ार बार रिपीट होते हैं, जबकि इनके बारे में जो पब्लिक के लिए बेनिफिशियल चीज़ें हैं उनके बारे में बहुत कम लेक्चर्स होते हैं, बहुत कम ट्रांसमिशन होते हैं। तो उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये चीज़ें ऑनलाइन टीवी पर इन पर ब्रॉडकास्ट हों और उनका पब्लिक को बेनिफिट। सर लोग डरते भी तो हैं कि उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, जैसे वो बिजनेस करने जाते हैं तो उनके साथ फ्रॉड होता है, इसीलिए लोग डरते भी हैं, नहीं आना चाहते बिजनेस के फील्ड में। ये सच्चाई है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ है, प्योरीफाई नहीं हुआ है जहां जीरो फ्रॉड के चांसेस हों, क्योंकि कहीं ना कहीं वी आर लैकिंग बिहाइंड, तो उसकी वजह से ये बहुत सारे मैनिपुलेट होती हैं चीज़ें और लोग फंस जाते हैं वहाँ पर, उनका गलत इस्तेमाल भी होता है और लोग सक्सेस नहीं हो पाते। महिलाएं भी हैं, आप देखेंगे कि एक समय होता था जब महिलाएं घर तक ही सीमित रह जाती थी, लेकिन अब महिलाएं बिजनेस में भी भागीदारी ले रही हैं, अपनी हिस्सेदारी दिखा रही हैं। मैम क्या कहेंगी इस कार्यक्रम के बारे में? इस कार्यक्रम के बारे में मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी लोग घर से निकल करके जागरूक हों, अपने अपने एक 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 भी काम को इसमें आप बढ़ा लेते हैं तो ये समझिए कि 100 एक घर में 5 लोग हैं तो एक भी अपना लेता है तो 100 घर में से 100 लोग बनाएंगे तो इस बिजनेस को आगे तक लेकर जाएंगे। और अब हमारा ये समय आ चुका है कि हमें बिजनेस में उतरना ही चाहिए और दूसरों लोगों को देख करके भी ये देखो कि वो क्यों बिजनेस कर रहा, आखिर क्या वजह है, और गवर्नमेंट ने इतनी सुविधाएं दे रखी हैं उनका भी लाभ उठाएं, लाभ लेकर के आपके पास पैसा नहीं है तो कुछ लोन के प्रबंध किए गए हैं वो लोन लें। जैसा कि आपने अभी बोला कि हमारे यहाँ समाज में चीटिंग हो जाती है, ज़बरदस्त चीटिंग मेरे साथ खुद हुई है बिजनेस में, मैं एक आउटसोर्सिंग कंपनी चलाती हूँ, मेरे साथ खुद भी आउटसोर्सिंग हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं इनका कार्यक्रम लगातार चल रहा है, बहुजन समाज के जो लोग हैं वो बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, या तो वो डर जाते हैं या तो उनके पास नॉलेज की जानकारी की कमी होती है, इस वजह से कहीं ना कहीं
यानी एससी एसटी ओबीसी समाज बिजनेस से व्यापार से अछूता रह गया। इस खबर पे आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।